व्हाट्सएप एक ऐसा पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है गाइस, जो दुनिया भर में यूज हो रहा है, दोस्तों को, परिवार को या परिवार के लोगों को। गाइस, आप जो भी करना है, कॉल में ऑडियो हो या वीडियो हो या फिर किसी तरह का मैसेज हो या फिर आप किसी चीज़ का पिक्चर भेजना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं, मेम्स भेजना चाहते हैं या ऑडियो वीडियो भेजना चाहते हैं या म्यूजिक भेजना चाहते हैं, तो अभी व्हाट्सएप का ही यूज हो रहा है। गाइज, आपको बता दे रहे हैं कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लाते रहते हैं, न्यू न्यू अपडेट करते रहते हैं कि मेरे यूजर्स आसानी से यूज कर पाए और उसे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। गाइज, न्यू अपडेट व्हाट्सएप ने किया है, जो आपको बता दें कि न्यू अपडेट क्या क्या है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा कि न्यू न्यू वीडियो क्या है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। न्यू वीडियो तीन तीन न्यू अपडेट है जो कैसे काम करता है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको कि वो तीन न्यू फीचर जो कैसे काम करता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूंगा, अगर अभी तक मैंने जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वही प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो सो गाइज, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं और आपको बता दें कि ये जो तीन मैसेज, एक एडिट मैसेज फीचर है और दूसरा पे कवर फोटो फीचर है, तीसरा पे स्टेटस रिप्लाई इंडिकेटर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कैसे काम करता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। चलिए गाइज, मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि एडिट मैसेज फीचर है वो कैसे काम करता है। तो गाइज, मैं किसी को अगर मैसेज करता हूँ, ठीक है, अभी आया नहीं न्यू न्यू, लेकिन लॉन्च होने वाला है, बहुत कुछ दिन ही टाइम बचा है जो ये आ जाएंगे। तो नया नया किसी को हम मैसेज करते हैं या फिर कैसे काम करता है, मैं आपको मैं बताऊँ। जैसे मेरा ये अपना फेसबुक है और मैंने अपना ये ओपन किया फेसबुक, इस पर एडिट मैसेज अगर आप किसी को कॉमेंट करते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे किसी को कमेंट कर रहे हो, जैसे ये अमित राज है, इस पे आप अगर किसी पे कमेंट कर दिए, इस पे मैंने गुड कमेंट कर दिया, तो ये देखिए मेरा मैसेज जो है यहाँ पे चला गया है गुड का। तो आप इसको जैसे ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए ये क्लिक करके आने के बाद आपका तीन मैसेज आता है, कॉपी, डिलीट, एडिट। तो इस तरह से अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो इस मैसेज को यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ एडिट नहीं, मुझे तो बस आपको सिर्फ बताना है कि क्या है। तो इस तरह से व्हाट्सएप में भी आने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से व्हाट्सएप में भी आने वाले। तो गाइज, दूसरा नंबर पर आपका कवर फोटो फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं कि कवर फोटो फीचर जो ये आपका सेटिंग है, यहाँ पे ये आपका पूरा प्रोफाइल रहेगा, आपका फ़ोटो दिखाया जा रहा है और आपका नाम नंबर सब दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ जो बैकग्राउंड है पीछे में, ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे कवर फोटो रहेगा। जैसे आप फेसबुक पर देख लो, अगर आप यहाँ पर फेसबुक पर आप अपना टैप करते हो प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल टैप करते हो तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो है, उसके बाद आपका यहाँ पे कवर फ़ोटो है। तो इसी तरह से व्हाट्सएप में भी दिखाया जाएगा गाइज। तो और आप तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं गाइज, तीसरे नंबर में स्टेटस रिप्लाई है कि अगर आप किसी स्टेटस, यानी स्टेटस आप अपना लगाते हो यहाँ पर, कोई भी स्टेटस आप यहाँ पर लगाते हो, तो ये स्टेटस रिप्लाई हम आपको बता दें कि जैसे आपका यहाँ किसी स्टेटस पे रिप्लाई यहाँ पे करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटस पे रिप्लाई कर दिए कि गुड गुड मैंने रिप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सेंड तो हो गया, स्टेटस पे सेंड हो गया, लेकिन अगर ये देखना चाहिए कि किसने रिप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे मैसेंजर, इसके लिए फेसबुक ऐप के लिए जो आप व्हाट्सएप ये स्टेटस पे रिप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको मैसेंजर पे जाना पड़ता है और मैसेंजर पे आप देख पाते हैं कि किसने रिप्लाई किया। जैसे मैंने अभी रिप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया गुड, इस पर गुड। तो इसी तरह गाइज, आपका भी यहाँ पे व्हाट्सएप अगर स्टेटस पे कोई रिप्लाई करेगा तो आपका। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना, देखा आपने तीन महीने न्यू फीचर के बारे में बताया व्हाट्सएप के। गाइज, आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट आप कर देना कि आपको कैसी वीडियो लगे। तो गाइज, चलिए अगर ज्यादा तो बता दें कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए। चलिए चलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।